हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की टिफिन रेसिपी होने वाली बहुत ही खास और बच्चों की फेवरेट। अगर आपने एक बार उनको ये टिफिन में बनाकर दे दी ना, तो बार बार आपसे वो यही बनवाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे हमने बनाया है इसको। तो यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड, तो यहाँ पर व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब एक स्टील की कटोरी लेकर इस तरह से सेंटर में रख लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक ब्रेड का गोल पीस हमारे पास कट करके आ गया है। तो सारी कट कर लेंगे। आपको जितनी ब्रेड बनानी है उसी हिसाब से आप ब्रेड कट करके रख लें। अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ, आधा कप दही ले रही हूँ और साथ ही ले रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी धनिया। थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है यहाँ पर और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद आधा कटोरी इसमें पानी डाल देंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर साइड रख देंगे, जिससे सूजी फूल के सेट हो जाए। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एक पैन और इस पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल या घी, आप जो भी डालें। ब्रश की हेल्प से मैंने घी को पैन में अच्छे से फैला लिया है चारों तरफ। यहाँ पर सूजी का मिक्सचर ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। 10 मिनट बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। हमें इसी तरह का मिक्सचर बनाना है सूजी का। उसके बाद हमने लेनी है ब्रेड और इसके ऊपर हमने ये मिक्सचर लेके अच्छे से फैलाना है इसको। अब हम इसको पैन में रखेंगे, तो जिस साइड से हमने मिक्सचर रखा है ब्रेड के ऊपर उसी साइड को हम नीचे रख देंगे और इसी तरह से एक एक करके हम रख देंगे पैन में, एक बारी में जितने भी आएंगे। तो चार इसमें आराम से आ गए हैं एक बारी में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीज़, बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट, क्योंकि चीज़ उन्हें बहुत पसंद होती है। तो चारों के ऊपर चीज़ हम इस तरह से फैला लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो स्लाइसेस ब्रेड की हमने कट करके रखी थी उनको भी इस तरह से रख देंगे और जो मिक्सचर था सूजी का उसको चारों के ऊपर वापस से फैला लेंगे, जैसे हमने नीचे से रखा था उसी तरह से। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, धीमी आंच रखनी है हमने गैस की। धीमी आंच पे सूजी नीचे से अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो ये पक चुकी है। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे आराम से, बहुत ही आराम से हमने करना है ताकि ब्रेड टूटे नहीं। गैस की फ्लेम को हमने लो ही करके रखना है यहाँ पर और इसको नीचे से भी हमने उसी तरह से 2 से 3 मिनट पकने देना है। अब हमको इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी ब्रेड की ये शानदार रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही कम टाइम में बन गई है और बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए। मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप चाहें तो टिफ़िन में इसी तरह से भी आप पैक करके इसको दे सकते हैं और चाहे तो आप कट करके भी इसको पैक कर सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे टिफ़िन रेसिपी बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ।